तो जी फाइनली हम अपने परिवार के साथ जा रहे हैं ट्रिप पर। मम्मी का मायका हुआ और मम्मी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 दिनों से जो है एक विवाद चले जा रहा है हमारे जी कुछ यूट्यूबर के साथ ही है। उनके बीच में यह विवाद जो है लंबा चौड़ा जो है खींच गया है, क्योंकि जी हम भी इस तरह के विवाद से गुजर चुके हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। फिर हम आ गए जी फर्स्ट क्राय और यहाँ पर जो है क्रियांश के लिए सोचा कुछ पैंट सब ले लिया जाए, क्योंकि क्रियांश का पैंट जो है एक दिन पहनता है और दूसरे दिन जो है गंदा हो जाता है, तो सोचा कि कुछ स्टॉक और इकट्ठा कर लिया जाए। फिलहाल हम आ गए हैं जी इधर, अपने कपड़े को जो है ड्राई क्लीन करवाना है, इधर बहुत सारे फंक्शन को अटेंड करना है, तो सोचा कि जितना भी अपना सूट पैंट सब है उसको दे देते हैं ड्राई क्लीन करने के लिए। 1 आवर लेटर। तो जी फाइनली हम अपने परिवार के साथ जा रहे हैं ट्रिप पर। जब भी हम किसी ट्रिप पर जाते थे हम जी और क्रियांश, तो हमें ध्यान है कि बहुत सारा कमेंट आया करता था कि आप लोग जो है फैमिली मेंबर को भी लेके जाओ, अपनी फैमिली के साथ ट्रिप करो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जी आप लोगों की बात को जो है माँ ने सुन लिया है और माँ भी जो है अब तैयार हो गई है हमारे साथ निकलने के लिए। हम लोग जो है एक ट्रिप पर जाएंगे और एक क्रिएटर है उनके यहाँ फंक्शन में भी जाएंगे और एक रिलेटिव है उनके यहाँ भी जाएंगे, तो 2-3 चीज जो है एक साथ प्लान है। और फिलहाल जो है जिया यहाँ पर क्या कर रही है? तो मैं कपड़े को अरेंज कर रही हूँ, सारा कपड़ा धुल गया, सारा कपड़ा फोल्ड हो गया, बस रखना है मुझे। कुछ कपड़ा सा प्रेस होने के लिए देना था उधर चला गया, कुछ कपड़ा ड्राई क्लीन के लिए देना था उधर चला गया, तो ऐसे ऐसे करके जो है सारा काम धीरे धीरे होता जा रहा है। कुछ खरीद के भी लाई हूँ, कुछ खरीद के भी लाई है, बहुत बढ़िया। क्रैश के लिए पैंट, और एक पैंट मैंने देखा था मुझे इतना अच्छा लगा वो पैंट, और उसका दाम कितना था पता है? 2200। तो हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, हम बोले भाई इतना दाम कैसे हो गया, 2 पैंट लिए इतने में हमारा 2 पैंट हो जाए। हाँ तो बोलते है की एक पैंट का दाम है 2200 रुपया, तो हम बोले भाई रहने दो हमको नहीं लेना, और 800 का पेंट आया है। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा पेंट आया। तो अभी दोपहर के 11 बज रहे हैं और मैंने अपने बालों में लगाया है आमला, रीठा, सीका काई, सबको खुलने दे दिया था, और एलोवेरा सारा कुछ बालों में लगाया, और पति देव को लगाऊंगी अभी मेहंदी। तो ये क्या पहने आप जी? ये पहने बोंजो। ये हम लिए थे मनाली में। और हमारा चश्मा पर आप नोटिस कर रहे हैं चश्मा ऐसा ही चश्मा है, तो नया चश्मा लाना पड़ेगा क्योंकि क्रियांश ने जो है इसको तोड़ दिया है। और एक मिनट, क्रियांश को देख सकते हैं, मेरे पैसे छोड़ो, मेरे पैसे, इसको पकड़िए, मेरा सारा पैसा फेंक देगा। माँ यहाँ देखिए, सारा पैसा फेंक दिया, पकड़िए इसको। 1 आवर लेटर। तो जी अभी आप जो हमको देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कि यह कौन से ग्रह का प्राणी है जो यहाँ पर आ गया है। जी हम पृथ्वी के ही हैं और बिहार राज्य के और कटिहार जिले के वासी हैं, और ऐसा जो हमारा हाल किया है वह किया है जिया ने। क्योंकि जो है ना आप पूरा बाल आपका व्हाइट हो रहा था, तो हमने सोचा मैं लगा देते हैं, तो बाल सब कुछ व्हाइट होना स्टार्ट हो गया है, दाढ़ी भी हो रहा है, दाढ़ी भी 2-3 हो गया है व्हाइट। तो जी अब लग रहा है कि हाँ अब हमारा भी उम्र जो है थोड़ा बहुत बढ़ते ही जा रहा है। उम्र हुआ गया है, बस आपने बना लिया अपना हो लिया है। अरे पिता बन गए, हो गया उसी उम्र में क्या और क्या। तो उसके बाद जी तो यहाँ मेहंदी लगा लिया है, तो कुछ देर में जो है सूख जाएगा। उसके बाद एक दोस्त की शादी हुई है, हमारे दोस्त का क्या करेंगे, वो सब का अगर बस चले तो 5 साल और शादी नहीं करे, तब उसके चलते हम क्या करते, कुंवारे रह जाते हैं। नहीं बोले आपके किसी दोस्त की शादी हुई और आप बूढ़े हो गए, वाह। तो हम आ गए जी छत पर और यहाँ अच्छा खासा समय बिताया, और देख रहे हैं कि अब जो है यहाँ सूखने की ओर है, तो माँ भी यहाँ पर बैठी हुई है और हम लोग जो है बैठ करके अपना बातें सब कर रहे थे, ढेरों किस्से हुए, और सबसे ज्यादा जो है मम्मी एक्साइटेड है। हम लोग जाने वाले हैं जी अपने मामा जी के घर। जी हाँ, तो मामा जी के घर जाएंगे, मम्मी का मायका हुआ और मम्मी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वहाँ पर जाकर के जो है पनकी मंदिर में पूजा करेगी। पनकी में जो है हनुमान जी का मंदिर है, आप में से बहुत लोग जो भी कानपुर से होंगे या आसपास से होंगे, या हो सकता है कुछ लोग पनकी से भी हो, तो जो भी कानपुर या आसपास या जो भी पनकी मंदिर सब गए हुए कमेंट करके बताइएगा, तो हम भी जानेंगे। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है वहाँ जाने को लेकर के, माँ ने जो है कुछ मन्नत मांग रखी थी, तो वह मन्नत जो है भगवान ने पूरा कर दिया है, तो अब माता को जो है धन्यवाद करने जाना है। क्या कुछ बोल रही थी क्या? ये शाश्वत के लिए ही मांगे थे। अच्छा, कि भगवान इसको ख्याति दीजिए और कमाने खाने लगी बन जाए। आज उनकी दया दृष्टि हो गई, और दूसरा बेटा जो तैयारी कर रहा है आज उसके लिए दया और भीख मांगने जा रहे हैं। अच्छा, और साथ ही सब संसार के जितने भी लोग हैं, भाई भतीजा, या मेरा मायका हो, या मेरा ससुराल हो, या मेरी बहन हो, सबके लिए मांगेंगे, और भगवान की दया होगी तो मिलता ही। और इधर देख रहे हैं कि जी हमारा जितना भी गमला है अब थोड़ा सा जो है सूखने लग गया है, ठंड के मौसम में लगता है शायद ऐसा ही हो जाता होगा। अभी कोई बात नहीं है कि बीमारी है या पौधा खराब हो गया है,
ठंडा जो होता है ना उसमें यही स्थिति हो जाती है, उतना पानी पड़ेगा उतना फूल आएगा। लेकिन डैडी काम करने वाले, तुम काम करने वाले, हम लोग सब, एक छोटा सा बच्चा है घर में, सब लोग आजकल थोड़ा सा लेट से भी उठ रहे हैं, इस वजह से भी नहीं हो पा रहा है, ऐसा होने वाला, ठंडा तो हिला दिया है, कर ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे अब जो है मौसम देख रहे हैं थोड़ा सा जो है साफ होना स्टार्ट हुआ है, देख सकते हैं हमारी सूर्य देवता को आजकल जो नजर आना शुरू किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा ही मौसम रहा तो शायद एक हफ्ता में ठंडा शायद खत्म हो जाए, खत्म तो नहीं होगा, राहत हो जाएगा। और जहाँ तक सूरज भगवान जो है तो इसे तो हर देवता के बारे में हम लोग जानते हैं, सुनते हैं, भगवान निराकार है, कोई नहीं देखता है, हम लोग सब कल्पना करते हैं, लेकिन भगवान सूर्य जो है उनको सब कोई देखता है। बिल्कुल, तो वो जब खिलेंगे संसार में खिल जाएगा, पौधा का कौन बात, वो भी साथ ही रहेगा। सही बात है। 2 hours later. तो अभी क्रियांश भी सो करके उठ गया और अभी बज रहे हैं 4। क्रियांश, हेलो कर दो, हेलो कर दो। उठ गया, अभी भी नींद खत्म नहीं हुआ है। हाय कर दो क्रियांश। ठीक है, कर दो। क्रियांश आजकल सीख गया से चूहा की तरह, खरगोश की तरह करता है। खरगोश जैसा ड्रेस भी पहना है, पूरा खरगोश ही लग रहा है। ये ड्रेस ना बहुत अच्छा होता है, गर्मीला बहुत ज्यादा होता है ना। बिल्कुल। और बहुत सस्ते में भी मिल जाता है, बहुत गर्मीला भी लगता है और एकदम खरगोश जैसा लगता है। तो आज हमने बालों में लगाया था आमला रीठा सीगा का ही, उसके बाद देख सकते हैं बाल बहुत सॉफ्ट हो गया है। और पतिदेव भी लगाए थे मेहंदी, तो कैसा लग रहा है आपको मेहंदी लगा के? मेहंदी लगा के नॉर्मल नहीं लग रहा है, कोई स्पेशल फीलिंग तो है नहीं, बहुत ठंडा ठंडा लगता है लगाने का। जिस समय लगता है ना उस समय लगता है वो, लेकिन जब लग जाता है फिर सूख जाता है, फिर नॉर्मल ही है। उसके बाद आपको वो भी हो गया था डैंड्रफ बहुत ज्यादा। A few moments later. तो फिलहाल जी हम सभी लोग जो है यहाँ पर बैठ गए और सोचा कि एक जो है बहुत ही क्या कहे जी इम्पोर्टेंट बोले या क्या बोले समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 दिनों से जो है एक विवाद चले जा रहा है हमारे जी कुछ यूट्यूबर के साथ ही है, उनके बीच में मैंने जो है सबसे पहले देखा था कपल लाइफ का ब्लॉग देखा, उन्होंने जो है उसमें बताया था वह कार लेने वाले हैं, फिर देखा उसमें अंकुश भाई का कमेंट आया कि कार की EMI कहां से भरोगे, तो शायद वह मजाक ही था। उसके बाद जो है देखे कि यह विवाद जो है लंबा चौड़ा जो है खींच गया है, और मुझे लगता है कि यह एक गलत फहमी है सभी लोगों के बीच में, और यह गलत फहमी जो है जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जी हम भी इस तरह के विवाद से गुजर चुके हैं कुछ महीने पहले, और कितनी ज्यादा परेशानी होती है इन सब विवादों से जी, हमने जो है अच्छा खासा देखा है, अच्छा खासा अनुभव है, और इन सब विवादों से जो है किसी भी लोगों का जो है कह सकते हैं जी किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट नहीं है, बस खाली मानसिक तनाव ही है। सभी लोग अच्छे हैं जी, अंकुश भाई भी अच्छे हैं, मिथुन भाई भी अच्छे हैं, और हमारे जो मिष्टू भाई हैं वह भी अच्छे हैं। सभी लोगों से हम लोगों की जो है मुलाकात होती रहती है, किसी न किसी कॉमन जगह पर हम लोग जाते भी है। हाँ, और बहुत लोग बोल रहे थे मिष्टू भाई बीच में क्यों पड़ रहे हैं, वो उनके फ्रेंड है तो उनको बुरा लगा होगा इस वजह से। यही कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग की यह सब कुछ खत्म हो जाए, और यह खत्म हो जाए तो अच्छा रहेगा जी। और सही बात कह रहे हैं जी, मैं बार बार कहता हूँ इन सब विवादों से जो है किसी का भी कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, बस खाली परेशानी ही होगी। देख रहा हूँ पूरा कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, पूरे कमेंट में ऐसा लग रहा था कि दंगा हो गया एकदम, कुछ उनके सपोर्टर कुछ इनके सपोर्टर। तो अच्छा लगा जान करके कि हमारे जितने भी भाई लोग हैं सभी लोगों का जो है एक मेहनत जो है रंग लाया है, और सभी का जो है एक अपना अच्छा खासा परिवार बन चुका है यूट्यूब पर, और सभी के इतने प्यारे प्यारे सदस्य, इतना चाहने वाले सदस्य, तो उन सभी चाहने वाले सदस्यों का जो है ख्याल रखा जाए, और कोई भी आपस में इसी तरह का कोई भी मतभेद नहीं करे तो अच्छा रहेगा। और फिलहाल क्रियांश जो बदमाशी कर रहा है पूछिए मत, किसी तरह से जो है इसको यहाँ पर लाया गया, सोचे कि दूध में लगा देते हैं फिर उसके बाद हम लोग जो है तसल्ली से बात करेंगे। तो पीना चाहता ही नहीं, खाली बदमाशी कर रहा है, खा के रखिए कि मैं दूध नहीं पीऊंगा मम्मा, और इसको खांसी भी हो गया। थोड़ा सा जी खांसी हो गया है, दिक्कत क्या हो गया है जी, इसको आप जो है सू पहनाओ सू खोल देगा, इसको अगर आप टोपी पहनाओ तो टोपी खोल देगा, मफलर पहनाओ मफलर खोल देगा। टोपी और सू पहनना तो चाहता ही नहीं है, सॉक्स कैसे भी हम लोग पहना देते हैं। बिल्कुल, वो भी चाहता है खोल खा के फेंक दे, तो सॉक्स जो है इसे खुल नहीं पाता है, इसीलिए वह जो है बचा रह जाता है, वरना अगर पहनना नहीं। बिल्कुल, और अगर इसके हाथ में जूता रहे जूता तो तुरंत खोल देगा ये। अगर गलती से हमने इसको टोपी पहना दिया तो ये आईने में जाके देखेगा और फिर खोल के फेंकेगा। बस जब तक आईने में नहीं देखता है तब तक तो कई बार टोपी बच भी जाता है, लेकिन आईने पर जाकर के अपना शक्ल देखता है तो टोपी रह नहीं सकता है। और अपना तो टोपी इसको पहनना पसंद है भी नहीं, और दूसरा कोई पहनता नहीं इसके सामने तो वो भी पसंद तो दूसरे का भी टोपी खोल देता है। तो ऐसा करते हैं इसी तरह हंसते खेलते जो है इस वीडियो को खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं इसी तरह हंसते खेलते हुए जो है उनका विवाद खत्म हो जाए, और सभी लोग जो है पहले जैसे अच्छे से रहे। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले। हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें, आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।